स्विफ्ट तो पेट्रोल पे बेवकूफ बना दे छोटी, एलोए वेलोए लगवा दे उस पे तो कुछ नहीं देती। तो डाउट हो रहा हो कि भाई एलोए लगवाए ना लगवाए कितना माइलेज देती है ये गाड़ी, अब भाई गुना भाग करके देख लो 87 रुपए यहाँ था डीजल का। इसका टैंक कितना बड़ा है और इसमें कितना डीजल आता है, और भाई देख लो इन्होंने मकड़ी भी पाल रखी है और ये बिल्कुल पैक है, मतलब कोई इसको छू भी नहीं सकता। हेलो भाइयो, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। भाई अभी वीडियो का टॉपिक तो आप देख के घुस ही चुके हो, वैसे मैं आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल कि ये जो ब्लैक गाड़ी है इतनी बड़ी भाई लेके घूमते हैं ऐसे ऐसे लड़के, इनकी पर्सनैलिटी पे जैसे मतलब सूट तो करती नहीं है, पर चलो इन्होंने ले लिया वो बात छोड़ते हैं। अब जो इसका ये आपको दिख रहा है ये भाई इधर की साइड यूरिया का है, सेम साइड दूसरी साइड है इसका पेट्रोल का जिसमें डीजल डलता है, मतलब पेट्रोल का बॉक्स है। तो भाई डीजल का इसका टैंक कितना बड़ा है और इसमें कितना डीजल आता है और इतनी बड़ी गाड़ी का माइलेज क्या है, जबकि इसमें 22 इंची अलॉय व्हील लग रहे हैं। भाई 22 इंची बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे एवरेज ये हो गया, आज की एवरेज को 22 इंची गाड़ी में अलॉय व्हील लगा ले गाड़ी खराब हो जाएगी, अलॉय व्हील एवरेज देगा ये देगा, आज सब चीजें प्रूफ हो जाएगी। तो भाई आज सब चीजें प्रूफ कर देते हैं क्योंकि इसमें मिनिमम से मिनिमम 16-17 इंची लगवा के घूमते हैं ना लोग, इतने 17-18 मुश्किल से, हाँ इतने लोग 20 लगवा लेते हैं ज्यादा मैक्सिमम, पर 22 ना बहुत ही ज्यादा ओवर, लगवाने वाले 26 भी लगवाते पर एक 22 भी बहुत बड़ा नंबर होता है अपने आप में। तो भाई आज इसका एवरेज चेक करने वाले हैं कि इतने बड़े टायरों में आपको काला घोड़ा कितना एवरेज देगा। अभी इसका बिल्कुल फ्यूल बिल्कुल जीरो पे है बिल्कुल, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। भाई ये देखो इसकी टंकी भी इस वक्त ना बिल्कुल खाली है बिल्कुल, ये जो कहते हैं ना पॉइंट गायब, वो पॉइंट गायब हो गया, और ये जो पेट्रोल का ये जो होता है ये भी ब्लिंक कर रहा है, और देख लो हमने एसी भी बंद कर दिया है फिलहाल में क्योंकि अभी एक पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर है जिससे हमें भरवाना है, एक और पेट्रोल कह रहा हूँ एक और पेट्रोल पंप है हमारे पास, पर वो बोलते हैं यहाँ के लोग के पानी वानी मिलावट महंगा भी है, हाँ ये बोलते हैं मतलब मिलावट है, एवरेज कम देता है पानी मिलाता है उसमें क्या मिलाता है वो हमको नहीं पता भाई, ऐसे ये सब कई सुनी बात भी हो सकती है। ये भाई पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, ये देखो टोटका कर रखा है इन पेट्रोल पंप वालों ने, ये देखो भाई ये फुल करेंगे, कर दी चालू डीजल है ना भाई, ऑटो कट तक चलने देना इसको भाई, ये देखो रील बना रहा है अपनी, अरे ये भाई भी सोच रहे होंगे पता नहीं कौन आ गया आज यहाँ पे, इसको चलाएंगे 50-100 किलोमीटर लगभग और उसके बाद देखते हैं इसका एवरेज क्या निकलेगा, उसका मतलब माइनस वाइनस करके मल्टीप्लाई करके जो रेट चल रहा है फिलहाल करंट का यहाँ पे 87.62 डीजल का, 94 पेट्रोल का है भाई, दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र में जिस भाई को नहीं पता उस भाई के लिए बता रहा हूँ। और भाई देख लो इन्होंने मकड़ी भी पाल रखी है और ये बिल्कुल पैक है, मतलब कोई इसको छू भी नहीं सकता, ये अंदर की तरफ रख रखी है भाइयों ने ना भाई, पालतू है ना ये, क्या नाम है इसका ही नाम है भाई इसका भाई ये देखो अभी इसने कट मारा है, मैंने कैमरा बंद, नहीं नहीं अभी नहीं ऑटो कट पे ही छोड़ना है अभी, रुक जा क्योंकि इतना ही पता लगा है भाई इसकी कैपेसिटी इतनी है, ऑटो कट पे आया इसमें 97.93, अब और डाल दिया तुमने और भर रहा है, अच्छा टाइमर और रहा है इसमें, चलो ठीक है भाई भरो फुल, आपने देख लिया था ऑटो कट पे मतलब कितने पे हो गया था इसका, अब इसको करवा रहे हैं फुल वुल बिल्कुल। भाई इतने का तेल आया है देख लो, 60 लीटर तेल आया है, ठीक है अब जितना इसमें दूसरे पेट्रोल पंप से डलवाएंगे उस हिसाब से आपको इन टू विल टू करके जो भी गुना भाग होगा वो करके दिखाएंगे हम, बाकी लुक चेक कर लो एक बार गाड़ी की, ये देख लो भाई पेट्रोल भरवा चुके हैं हम अपनी गाड़ी में और निकल चुके हैं यहाँ से ट्रिप के लिए, और इसमें लीटर आया है 60 लीटर मतलब 5200 रुपये का तेल आया ना, 5200 रुपये का तेल आ चुका है, और भाई निकल चुके हैं हम अपने ट्रिप के लिए। नहीं भाई मैं किलोमीटर भी इसके जीरो कर देता हूँ यहाँ से पेट्रोल पंप के बाहर निकलते हैं। भाई अभी हम पहुँच चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, आपका मतलब मंडी जो है मनाली के पास में, जो भाई आते होंगे ना उन लोगों को पता होगा वहाँ पे आ गए हम दिल्ली से डायरेक्ट, क्योंकि हमने सोचा यार 100 किलोमीटर के बाद भरा लेंगे 50 के बाद, पर उससे सही पे इतना पता नहीं चलता। हाँ। हमारी गाड़ी कितनी चल गई वहाँ से यहाँ पूरी 405.9, अब इसमें गाड़ी में 4 बंदे बैठे और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे ना सामान पूरा लोड है उसमें, पूरी डिग्गी भरी पड़ी है इसकी, ठीक है मतलब फुल लोड है और सिस्टम भी रखा है और 22 इंची अलॉय व्हील के साथ, 21 लीटर तो आ गया भाई, और अब भी पी रही है कह रही है डालते जाओ बस, बहुत बड़ा पेट है मेरा, पेट नहीं कुआ है भाई, इसको पालना मजाक नहीं है, पता लग जाएगा आज पता जाएगा, आज तक हमने वैसे चेक ही नहीं करा ना, इसमें दिखाता भी नहीं है कि कितने का एवरेज देती है, मीटर वाला वही पुराना वाला टॉप मॉडल में दिखाती है भाई, 33 मान ले 33 लीटर मान लो मोटा मोटा, मैं 32.96 हो वहाँ पे, कितना था दिल्ली में 84 कुछ था, अबे वो पेट्रोल रेट डीजल का 84 महंगा था दिल्ली में महंगा है, यहाँ से दिल्ली में महंगा है यहाँ सस्ता है, तो यहाँ से टंकी फुल कराने में फायदा है, तो हम तो कम तेल लगा के आना था, चलो छोड़ो भाई उसके हिसाब से लगाते रहे, चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कितना इसने माइलेज दिया, उसमें थोड़े बहुत पहाड़ भी इनक्लूड थे और हाईवे तो था ही। स्पीड क्या थी भाई आपकी?
थी ना, अब कैलकुलेट कर दो जरा बता दो। तो भाई हमने भरवाया था पहले 60 लीटर, अब की बार आया 33 लीटर, ठीक है, माइनस कर लो 17 लीटर हमारा यूज हो चुका है अब तक, मतलब ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो 400 चली है ना, डिवाइड बाय 27, 15 की एवरेज आ रही है, 15 की एवरेज आ गई है, 22 इंची अलग में 15 की एवरेज आ रही है भाई, और बच्ची जान लो भी एसी पे, फिर तो ये तो 20 देती होगी यार, वो भी एसी पे आए पूरे रास्ते, हां एसी पे आए हैं भाई, ये भी बात सही है, स्विफ्ट से ज्यादा एवरेज है इसका, तो उससे तो इंची बराबर ही होगी, स्विफ्ट 18 के आसपास। अच्छा तो भाई ये तो बहुत सही चीज है यार, 15 स्विफ्ट तो पेट्रोल पे बेवकूफ बना दे, छोटी एलोए वेलोए लगवा दे उस पे तो कुछ नहीं देती, 18-20 हाँ लोकल में। अरे मैंने 12-13 का देखा है उसके साथ यार, 12-13 का एवरेज स्विफ्ट से देखा है भाई, 15 का एवरेज दे रही है स्कॉर्पियो क्लासिक, वो भी पहाड़ों पे, वो भी पहाड़ों पे और वो हाईवे पे, तो ये देख लो भाई, अगर किसी भाई के पास है और किसी को डाउट हो रहा हो कि भाई अलॉय लगवाए ना लगवाए कितना माइलेज देती है ये गाड़ी, हमने अब किसी भाई को अगर कैलकुलेशन में ऐसे करके दिक्कत आ रही हो तो हमने बता दी कि हमारी गाड़ी चल चुकी है 405 किलोमीटर, हमने वहाँ पे 60 लीटर तेल भरवाया था, यहाँ पे हमारा कितने 33 लीटर आया, तो अपने आप भाई गुना भाग करके देख लो, 87 रुपए यहाँ था, 87-86 के करीब, तो आप अपने आप भी करना वो कर सकते हो, पर हमारे हिसाब से निकला है 15 का एवरेज। वीडियो अगर देखी हो भाई, वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना भाई, इसने बोल शेयर ऑल्सो कर देना भाई, शेयर।